तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है टाटा मोटर्स कमर्शियल की ऑल न्यू पेशकश, जो कि अपने सेगमेंट की पहली बाई फ्यूल मिनी पिकअप सीरीज आपके सामने लेके आया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल के ऑल न्यू इंट्रा पिकअप लाइनअप के V20 AC पिकअप ट्रक की। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कैसे ये गाड़ी आपको एक शानदार वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग के साथ पेश की गई है। ये अपने सेगमेंट की पहली ऑफरिंग है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ से, जिसमें आपको पेट्रोल प्लस CNG का ऑप्शन मिलता है। इसका पूरी CNG की टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, टाटा मोटर्स ने किस तरीके का पेलोड आपको इसमें देने की कोशिश करी है, साथ ही कैसा इसमें इंजन आपको ऑफर किया गया, कैबिन में क्या क्या सारे फीचर्स हैं। बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के डिज़ाइन की। तो क्योंकि ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की इंट्रा सीरीज के अंदर आता है, तो जो इसके पूरे फ्रंट का लुक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार दिया गया है। अगर आप पूरी फ्रंट की प्रोफाइल देखें तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो V30 V50 सारे के सारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो फ्रंट में जो एक प्रीमियम अपील है ना, जैसे आपने नॉर्मली कार्स के अंदर देखी है, वही चीज़ देने की कोशिश की गई है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया सी क्रोम ग्रिल, साथ ही आपको बढ़िया सा टाटा मोटर्स का प्रीमियम लोगो ऑफर किया गया है। पीछे से अगर आप देखेंगे ना, गाड़ी के फ्रंट की प्रोफाइल में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड करेक्टर यहाँ पर ऑफर करा है। इस गाड़ी की जो सबसे खास बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि ये अपने सेगमेंट की पहली ऑफरिंग है जो कि आपको बाई फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है, यानी कि ये गाड़ी पेट्रोल में भी चल सकती है, CNG में भी चल सकती है। और हर कोई जानता है कि जो CNG होता है वो डीजल से ज़्यादा सस्ता पड़ता है रनिंग कॉस्ट के मामले में, इससे जो आपका मुनाफा है वो ज़्यादा होगा। डीजल के मुकाबले जो CNG इंजन होता है उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कम रहती है, जो वाइब्रेशन है, जो पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम रहता है। अब बात करते हैं गाड़ी की साइड की प्रोफाइल की ओर। तो साइड प्रोफाइल में आप आते ही देखेंगे इस गाड़ी का जो अपना एक लोडिंग एरिया ने दिया है वो काफ़ी बड़ा आपको लगने वाला है। इस गाड़ी को अगर आप शहरों में चलाते हैं, गाँव में लेके जाते हैं, या फिर मेट्रो सिटीज़ में चलाते हैं, इवन अगर आप इसे दिल्ली जैसे शहरों में भी चलाते हैं, तो ये गाड़ी आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। इस कंपटीशन में आज तक मैं कहूँ CNG के साथ कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ कोई भी ऑफरिंग नहीं दे पाई है। इसमें जो आपको इंजन ऑफर किया गया है ये 1200 सीसी का इंजन दिया गया है, 3 सिलेंडर लेआउट के साथ दिया जाता है। उसी के साथ आपको इसमें बाई फ्यूल CNG इंजन मिलेगा। अगर आप पावर फिगर की बात करें तो पावर फिगर के मामले में इसमें आपको 43 किलोवाट मिलने वाली है पेट्रोल मोड में और 39.7 किलोवाट मिलने वाली है CNG मोड में। बात की जाएगी इसके टॉर्क की, तो टॉर्क इसमें आपको मिलता है 106 न्यूटन मीटर का, जो कि आपको 1800 RPM से मिलने शुरू हो जाता है और 2200 RPM तक एक समान टॉर्क मिलेगा 106 न्यूटन मीटर का। और अगर आप CNG में इसको चलाएंगे 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये अपने CNG मोड में भी बनाएगी 1800 RPM से लेके 2200 RPM तक। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की जो नई पेशकश है आपके सामने V20 बाई फ्यूल वो किस तरीके का CNG सिस्टम आपको दे रही है। इससे पहले आपने वॉक अराउंड में ऊपर से तो सब कुछ देखा, लेकिन पास से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने आपको अच्छा खासा एक यहाँ पर प्रेशर गेज दिया हुआ है, जिसमें आपको पूरी रीडिंग मिलने वाली इसके CNG सिस्टम की। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रेगुलेटर स्विच दिया गया, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यहाँ से बंद कर पाए। साथ ही यहाँ पर आपको CNG भरने का पूरा सिस्टम दिया गया, इस नोजल को आप हटाएंगे और यहाँ से इस गाड़ी में बड़े आराम से CNG भरेगी। तो सिस्टम अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर नॉर्मली अगर आप पेट्रोल भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेट्रोल भर लीजिए, CNG के लिए बहुत ईजी है, कुछ भी खोलने खोलने की दिक्कत नहीं है, सिंपली यहाँ से कोई भी भर सकता है। इसकी कंप्लायंस प्लेट यहाँ पे दी गई है। टोटल वाटर कैपेसिटी इसकी लिखी गई है 90 लीटर का CNG का टैंक आपको दो मिलने वाले 45-45 के दोनों तरफ रखे गए हैं। और टाइप 1 टेस्टिंग के साथ ये दिया गया है, अगर टाइप 4 टेस्टिंग से इसको किया जाए तो 78 लीटर का टैंक है, 39-39 के दो टैंक आपको मिलेंगे। तो ये कुछ इसकी कंप्लायंस प्लेट रही, यहाँ से फिलिंग का सिस्टम है। नीचे अगर आप देखिए कमानी, यानी कि जो 1000 किलो का लोड ले जाएगा वो इन्हीं के ऊपर सब निर्भर किया जाता है। पीछे आप डिफरेंशियल देखेंगे, साइड से अगर आप आके देखेंगे तो इस गाड़ी के जो चैसी बनाई गई है, चैसी भी बहुत शानदार बनाई गई है। इसमें जो पूरी स्टिफनिंग दी गई है, अच्छे खासे लोड को संभाल के चल सकती है। जो कमानी है उसमें अच्छी खासी यहाँ पर माउंटिंग लगाई गई है, अच्छे बुशेस का यूज़ किया गया है। नीचे जो प्रॉपलर शाफ्ट है उसमें भी अच्छा खासा क्लियरेंस बनाया गया है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया करीब 175 mm का, वो सब कुछ निर्भर करता है गाड़ी की सेफ्टी पर जब आप इसको ख़राब रास्तों में चलाएंगे। बाकी CNG का टैंक मैंने आपको समझा दिया। इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है, यानी कि ये गाड़ी जब फ्लाईओवर में चढ़ेगी या फिर जब आप इसको पहाड़ों में ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसमें 38% की ग्रेडेबिलिटी जब ये पेट्रोल मोड में चल रही होगी, और साथ ही जब ये CNG मोड में चलेगी तब भी आपको ये 31% की ग्रेडेबिलिटी दे जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि इसका जो इंजन है CNG में भी अच्छे खासे दमखम के साथ आता है। टाटा मोटर्स ये भी कह रही है कि इसमें आपको ऑटो स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल जो कि फ्यूल मेन फ्यूल की तरह लिया जाएगा वो कम है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली CNG मोड में स्विच हो जाएगी, और अगर कभी पेट्रोल कम हो गया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली CNG में भी शिफ्ट हो जाएगी। बात सिर्फ वही है कि CNG का प्रेशर प्रॉपरली आपके टैंक्स में मेंटेन होना चाहिए। तो इस गाड़ी का जो अपना व्हील बेस है 2450 mm का व्हील बेस है, और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का है, जो कि
सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट को भी देख के अगर देखा जाए तो अच्छा खासा, थोड़ा पास से देखिए ना, सीएनजी टैंक का जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, सफ़ेद कलर का सीएनजी टैंक है, अच्छी खासी यहाँ पर पूरी माउंटिंग्स दी गई है, बैटरी का प्लेसमेंट काफ़ी खुली जगह में किया गया है, कभी आपको मेंटेनेंस करना पड़ा या फिर कभी भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। जो कूलेंट है उसको भी काफ़ी खुली जगह में प्लेस किया गया है। उसी के साथ ऊपर अगर आप देखेंगे जो इसका अपना पूरा कार्गो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिया गया, जो इसका पूरा आप डाला कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो 8.8 फीट का दिया गया, लगभग 9 फीट के आसपास इसकी पूरी लंबाई है। गाड़ी का जो अपना पेलोड है 1000 केजी का है। अब बात करते हैं कि ये गाड़ी अपने साथ क्या ऐसे प्रीमियम फीचर लाई है जिससे कि आपको लगेगा कि आप कुछ बढ़िया चला रहे हैं। कंपटीशन भी बहुत है इसका, लेकिन ये गाड़ी जो चीज़ आपको दे रही है कंपटीशन नहीं दे रहा है। अब यहाँ देखिए 14 इंच के आपको इसमें स्टील रिम व्हील्स मिलेंगे, MRF के टायर दिए गए। अब देखिए ना, टाटा मोटर्स ने थोड़ा बढ़िया लुक देने के लिए यहाँ पर आपको थोड़े से व्हील कवर दिए हैं, और जो स्टील रिम व्हील है काफ़ी रफ एंड टफ दिया गया है। 14 इंच का आपको स्टील रेडियल टायर मिलने वाला है, 65 सेक्शन का टायर जो कि R14 है, जो कि अच्छे खासे लोड को हैंडल कर सकता है। गाड़ी का पूरा वजन फुली लोडेड कंडीशन में 2200 केजी का है, 2.25 टन की गाड़ी होगी जब ये गाड़ी फुली लोडेड होगी। यहाँ पर CNG की पूरी ब्रांडिंग है। अब मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर की ओर। पीछे से आपको एक छोटी सी यहाँ पर खिड़की दी गई है जो कि यहाँ से आपको एक अच्छा वाला व्यू देती है। पीछे आपको एक स्पेयर टायर ऑफर किया गया है, अच्छे खासे यहाँ पर आपको ब्रेक लैंप, रिफ्लेक्टर और ये सब चीज़ें दी गई है। एक और चीज़ देखिए ना, यहाँ पर टाटा मोटर्स ने LED का इस्तेमाल किया है, तो ये बढ़िया बात है। अब आइए चलते हैं इसके इंटीरियर में, और जो शीट मेटल है उसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लग रही है, पेंट क्वालिटी भी काफ़ी सही है, तो जो रस्टिंग है, जंग है, वो दिक्कत आपको ज़्यादा फील नहीं होगी। गाड़ी का एयर इंटेक भी यहाँ बनाया गया है, टाटा मोटर्स नॉर्मली यहीं प्लेस करती है, जैसे ये गाड़ी अगर ज़्यादा पानी में चले, बारिश में चले, तो इसके अंदर एयर फिल्टर को चोक होने की कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। और साथ ही अगर आपको ड्राइवर साइड में दिखाऊं तो गाड़ी का जो शीशा है ना, बहुत ऊंची जगह प्लेस किया गया है। साथ ही यहाँ पर अच्छी खासी क्लैडिंग आपको देखने को मिली है, फुल ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, CNG की ब्रांडिंग इधर है, और यहाँ पर अच्छा खासा डोर लॉक दिया गया है, और डोर को बंद करने में भी दमदार साउंड आती है। यह आप देख रहे हैं आपकी नई वाली जो आपकी आई है ना V20, उसके इंटीरियर को। इसमें आपको सिर्फ 2 सीटर का लेआउट मिलने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में उसी की ज़रूरत है। एक यहाँ पर ड्राइवर साहब चलेंगे, एक यहाँ पर आपके कंडक्टर साहब चलने वाले हैं। उसमें हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम इनफ दिया गया है। पीछे एक छोटी सी आपको ग्लास एरिया दिया गया है जिससे आप अपने पीछे का सारा जो ट्रैफिक है उसको देख पाएंगे। और अब मैं इसमें बैठ के दिखाता हूँ आपको कितना आसान है इसमें चढ़ना उतरना। और फ्रंट में आप देखिए ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर मैनुअल विंडो मिलने वाली है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाटा की एक ब्रांडिंग आपको यहाँ पर दी गई है। इस गाड़ी में आपको AC मिलता है, तो उस चीज़ ने मुझे सबसे बढ़िया वाली खुशी दी है। बैठ के देखते हैं, कोई भी आपको स्टेप और ये चीज़ें नहीं है, सीधे अंदर आप जा सकते हैं, बिल्कुल खुला वहाँ पर बनाया गया है। स्पीकर के लिए भी यहाँ पर ग्रिल यहाँ पर ऑफर करिए टाटा मोटर्स की टीम है। अब बैठ के देखते हैं इसमें कितना आसान है इसमें चढ़ना उतरना। एक यहाँ पर आपको ग्रैब रेल दिया गया है, तो भैया यहाँ से पैर रख के हम सीधे अंदर आ गए। तो अंदर बैठ के ना बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग व्यू आपका आने वाला है। किसी भी तरीके का आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई छोटी गाड़ी, कोई कॉम्पैक्ट गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल ऊंचा, एक योद्धा सीरीज़ वाली जो गाड़ी है वैसा ही कुछ ऊंचा है, आपको कमांडिंग व्यू देती है। गाड़ी में शानदार वाला हेडरूम, अच्छा खासा शोल्डर रूम, और अच्छी बात थोड़ा ऊपर आके देखिए गाड़ी का जो पूरा क्लच ट्रैवल है, क्लच ट्रैवल भी ठीक लगेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए जो मेरा स्टेयरिंग और मेरे बीच की लोकेशन है वो भी आपको बढ़िया लगेगी। इसमें किसी भी प्रकार का मैं यहाँ पर जो टिल्ट वाले फंक्शन है, एडजस्टेबल फंक्शन है, वो नहीं देख पा रहा हूँ। बट इसको एक तरीके से जो ट्रक में आपको फील आती है ना, बढ़िया सी जो कमांडिंग व्यू, वो आपको यहाँ दी गई है। फुली AC के लिए यहाँ पर आपको वेंट दिए गए। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो मटेरियल क्वालिटी है सॉलिड दिया गया है। गाड़ी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हल्का सा प्लास्टिक यूज़ किया गया हो। जो रफ एंड टफ चाहिए ना कमर्शियल गाड़ी में खासतौर पे, वो बनाने की कोशिश की गई है। इतना कुछ यहाँ पर स्पेसिंग आप देखेंगे। साथ ही यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग के साथ एक म्यूज़िक का सिस्टम दिया गया है, और ये सारे AC के वेंट और ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ सर भी जो मेरा हेडरूम शोल्डर रूम है प्रॉपर मेंटेन किया गया है। एक लाइट को यहाँ प्लेस किया गया, इन्हें अच्छा खासा यहाँ पर एक सनशेड दिया गया। कोई भी मिरर वाली चीज़ इसमें नहीं है, और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो गियर बॉक्स है ना, उसको इनने ऐसा कुछ बनाया गया है जो उसका गियर लीवर है कि बड़ा आसान है। पहले से काफ़ी जो कॉम्पैक्ट कार्स इंडिया में आती थी उनमें ऐसा कुछ दिया जाता था जिससे इनको यूज़ करना बहुत ईजी रहता है, इनकी लाइफ ज़्यादा रहती है, और जो शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ होती है। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है, 1200 cc का पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर वाला। एक यहाँ पर USB का चार्जिंग दिया गया है। सेफ्टी अगर आप चाहते हैं, कुछ कागज आप रखते हैं, तो लॉक के साथ ये चीज़ आपको दी गई है। बाकी गाड़ी में देखिए ना, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट 6 फीट की है, और स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं है। एक फायर एक्सटिंग्विशर भी ये दे रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ना पूरे AC के बढ़िया से कंट्रोल दिए गए।
अच्छे डायल का यूज़ किया गया है जो कि सेगमेंट में बहुत ज़रूरत है। ड्राइवर्स को बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस करनी होती है, काफ़ी बार उनको ज़्यादा थकावट होने से उनका सफ़र उतना आनंदमय नहीं हो पाता है। अगर गाड़ी में ड्राइवर को आनंद मिलेगा तो गाड़ी भी बढ़िया चलेगी, जो सामान उसके साथ जा रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच पाता है। तो ये कुछ आपने देखा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की जो नई पेशकश V20 है, अपने बाई फ्यूल के साथ आपको कितनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर देने वाली है। साथ ही देखिए CNG का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, CNG मोड आप यहाँ से लगा सकते हैं, CNG का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है इसका। साथ ही नीचे देखिए आपको क्लच ब्रेक एक्सेलेटर, क्लच और ब्रेक के बीच में बहुत अच्छा डिस्टेंस बना के दिया गया है, वो मैंने खुद भी नोटिस करा। साथ ही अगर आप देखिए ना बीच में जो टनल है उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया है। आराम को देख के ही टाटा मोटर्स ने बड़ा खुला खुला कैबिन आपको यहाँ पर ऑफर करा हुआ है। तो इस शानदार पिकअप ट्रक में आपने सबको समझा कि CNG की फिलिंग का सिस्टम कैसा है, पेलोड कैसा है, चैसी को कैसा डिजाइन किया गया है। सेफ्टी में भी टाटा स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया काम करती है। थोड़ा पास आगे जल्दी से आप देखिए ना जो ब्रेक बूस्टर है उसको भी अच्छी लोकेशन में प्लेस किया गया है। तो ब्रेक बूस्टर जब अच्छी लोकेशन में है तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो स्टेयरिंग का कॉलम है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लेस किया गया है। इसमें जो आपको स्टेयरिंग मिलता है ये इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है और इस चीज़ का ना बहुत ही स्मूथ रिस्पॉन्स रहता है। नॉर्मली अगर आप देखें ना जो मैनुअल स्टेयरिंग है उसमें ड्राइवर बहुत बार थक जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग आने से बढ़िया वाला आपको आनंद आएगा। अब आइए गाड़ी के फ्रंट लुक की ओर। इस गाड़ी को लिया जा सकता है, बहुत अच्छी डील आपके सामने है। अगर थोड़ा और फीचर आपको समझाया जाए तो आपको इसमें गियर शिफ्ट एडवाइजर दिया गया, ये आपको बताएगा कब आप गाड़ी किस गियर में चलाइए। इसके साथ आपको इको स्विच का भी ऑप्शन दिया गया जिससे आपकी माइलेज और ज़्यादा बढ़ती है। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 14 inch के आपको टायर दिए गए, बाकी व्हील बेस आपको बताया गया है। उसके साथ 3 सिलेंडर का आपको 1200 cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि कुछ इतनी पावर, 106 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। आगे आपको डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक और ये कुछ आप सारी चीज़ें देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपको ऑफर किया गया है। तो उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको पसंद आई। ऐसी ही बहुत सारी गाड़ी आपके लिए हम लेके आएंगे। आज हम आए हुए हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शानदार मेगा लॉन्च में। ये बिल्कुल एक ग्रैंड इवेंट था, सब कुछ आपको देखने को मिला होगा यहाँ पर। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, आपको कैसा लगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का इतना शानदार सा इवेंट। तब तक के लिए गुड बाय।